हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 4.2। सो वॉच फुल वीडियो लेक्चर केयरफुली, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 31 है। और इसमें हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें कौन से मेन फार्मूले जो यूज करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, और जो एक्सरसाइज 4.1 में जो हमने फार्मूला यूज किया था उसको भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले देख लेते हैं। तो बच्चों, फार्मूले हमने लिख लिया और यहाँ पर टोटल 4 फार्मूले हैं जो मेन रूप से एक्सरसाइज 4.2 में यूज होंगे। तो यहाँ पर पहला फार्मूला है nth टर्म ऑफ अ सीरीज, किसी भी श्रेणी का, किसी भी समांतर श्रेणी का nth पद अगर हम फाइंड करें तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पर लिखा है सेकेंड फार्मूला nth टर्म ऑफ सीरीज फ्रॉम लास्ट टर्म। अगर कोई हमें सीरीज का कोई लास्ट टर्म दिया है तो उससे हम किस टाइप से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है लास्ट टर्म अगर हमें दिया हो। तो वहाँ से अगर हम किसी भी सीरीज का पीछे से कोई भी पद अगर हमें ज्ञात करना है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। और एक्सरसाइज 4.2 में जो मेनली ये फार्मूला यूज होगा, थर्ड फार्मूला सम ऑफ एन टर्म्स, तो उसका किसी भी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, तो फार्मूला यूज करेंगे एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट टर्म दिया है और पहला टर्म दिया है तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये 4 फार्मूले हैं जो बेसिकली हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों, क्वेश्चन 1 दिया है, उन श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो जिनका पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या क्रमशः निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन में 3 टर्म लिखे हैं, तो पहला टर्म है यहाँ पर, पहला टर्म एम, और यहाँ पर अंतिम पद दिया है एल, और यहाँ पर दिया है पदों की संख्या। तो इस टाइप से यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ने नोट कर लिया है, पहला पद 2 दिया है और अंतिम पद दिया है 37 और यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 40। तो हमें फाइंड करना है क्या, सम फाइंड करना है समांतर श्रेणी का। तो यहाँ पर फार्मूला हम यूज करेंगे SN इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। ये फार्मूला है, जब पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन यहाँ पर दिया हमें 40, तो लिख सकते हैं 40.2, और पहला टर्म दिया है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस, और अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म दिया 37, तो लिखेंगे 37। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर इसको कट करेंगे आ जाएगा 20, और यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 39, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 780। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी नोट कर लिया और यहाँ पर लिखा है फर्स्ट टर्म ये दिया 50, लास्ट टर्म दिया -50, और यहाँ पर टोटल जो टर्म है उनकी संख्या कितनी 50। तो यहाँ पर हम, आप लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि हम हर क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होता है उसको हम लिख लेते हैं, और लिखना भी चाहिए क्योंकि फार्मूले बार बार लिखने से हमें जल्दी ही याद हो जाएगा। तो यहाँ से SN हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 50, तो 50/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म दिया कितना 50 और लास्ट टर्म दिया -50, तो ये माइनस प्लस साइन जब हम ऐड करें तो माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा जाएगा ब्रैकेट में 0। अगर हम किसी भी नंबर के साथ 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है हमेशा 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया 5/3/4, लास्ट टर्म दिया 30/1/4 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया 34। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5/4 20, 20+3 23/4 और यहाँ पर 13/4 52, 52+1 53/4। तो यहाँ से अब हम फार्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों, फार्मूला हमने नोट कर लिया SN=1/2 ब्रैकेट A+L। तो यहाँ पर टोटल हमारा टर्म्स दिया 24, तो लिखेंगे 24/2 और ये यानी कि फर्स्ट टर्म दिया 23/4 एंड लास्ट टर्म दिया कितना 53/4। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे इन दोनों टर्म को, तो 4 और 36/5 27, तो हो गया 76/4। अब हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और इसको भी कट करेंगे तो यह आ जाएगा 19। अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तब देखते हैं कितना आता है। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने फाइंड किया आंसर कितना 228, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिया है श्रेणी 10+14+18 के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2009 में आया हो तो इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन ने नोट कर लिया और यहाँ पर A16 यानी कि 16 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे SN=N/2 और 2A+N-1 × D। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर एन दिया है 16 क्योंकि यहाँ पर 16 पदों का योग और पहला पद दिया है 10 और एन तो दिया 16 और यहाँ पर डी देख लेते हैं कितना आ जाएगा, D=14-10=4। तो अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एन दिया है कितना 16/2 और 2A दिया फर्स्ट टर्म 10
प्लस 16 माइनस वन, और डी हमने फाइंड किया कितना 4। अब हम क्या करेंगे, कट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर 10 टू जाए 20 प्लस यहाँ बचेगा 15, 15 फोर जाए 60 हो जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू 80, ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना 640 हो गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2009 में आया है तो इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया श्रेणी वन राइट वन अपान सेवन प्लस वन प्लस सिक्स अपान सेवन प्लस फाइव अपान सेवन के 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये सब मिक्सड फ्रैक्शन में दिया है तो हम इसको सबसे पहले क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये कितना हो जाएगा 8 अपान सेवन प्लस वन प्लस सिक्स अपान सेवन प्लस फाइव अपान सेवन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 8 अपान सेवन, और डी देख लेते हैं, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन अपान सेवन। तो यहाँ पर डी हो गया माइनस वन अपान सेवन, एन दिया 16। अब हम फार्मूला तो हमने लिख लिया, एन बाई टू प्लस टू ए, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर एन दिया 16, तो हो जाएगा 16 अपान टू टू ए, ए का मतलब कितना फर्स्ट टर्म, टू इंटू 8 अपान सेवन, एन कितना है 16 माइनस वन 15, और डी यहाँ पर हमने फाइंड किया कितना माइनस वन अपान सेवन। अब हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ कितना 8 टू जो 16 अपान सेवन, और ये माइनस साइन क्योंकि ये माइनस है तो 15 अपान सेवन हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा जाएगा 8 इंटू 1 अपान सेवन, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 अपान सेवन, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 1.2, 2.4, 3.6 को 16 पदों तक योगफल में ज्ञात करना है, तो देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में नोट कर लिया है, तो यहाँ पर पहला पद ये देख लेते हैं 1.2, और डी यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1.2, और एन कितना है यहाँ पर 16, और ए 16 में फाइंड करना है, तो यहाँ फॉर्मूला हमने नोट कर रखा है, तो हो जाएगा 16 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 ए, ये कितना 1.2, और एन की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी हमने फाइंड किया 1.2, तो देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2.4 प्लस 15 इंटू 1.2, इसके बाद देखते हैं 8 2.4, 15 और 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18, और यहाँ से देखते हैं इसके बाद 18 इंटू यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20.4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 367.2। बच्चों यहाँ पर देखते हैं 8 दिया है, लेकिन हमने बाई मिस्टेक यहाँ पर 18 कर दिया है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 4 जा 32, और 8 2 जा 16, तो आंसर आ गया हमारा 163.2, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x-x-3x को x पदों तक का हमें योगफल निकालना है, तो देखते हैं। तो बच्चों ये सीरीज दी है, तो यहाँ पर पहला टर्म x हो जाएगा, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2x, और यहाँ पर n कितना दिया x, तो sx तो हमें फाइंड ही करना है, तो यहाँ फार्मूला हमने नोट कर रखा है, तो यहाँ हो जाएगा x बाई टू, ये कितना दिया x, और यहाँ से n की जगह पर x रखेंगे -1, और d हमने फाइंड किया -2x, कितना हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे x बाई टू 2x, और ये माइनस साइन को आगे ले आएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 2x square, और ये हो जाएगा +2x, तो देखते हैं x बाई टू, ये 2x को ऐड करेंगे हो जाएगा 4x-2x square। अब हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो x बाई टू इंटू 2 ब्रैकेट 2x-x square बचेगा, 2 को कट कर दिया हमने, और इसके बाद देखते हैं हो जाएगा 2x square, x की मल्टीप्लाई करेंगे -x cube, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 दिया है a+1 a+3 a+5 के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट कर लिया, फर्स्ट टर्म यहाँ पर a+1, और d देखते हैं यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा a+3-a-1=2, और यहाँ पर एन हमें एन ही लिखना है और एसएन फाइंड करना है। इसके बाद देखते हैं वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा एन बाई टू, ए कितना दिया है a+1, और एन की जगह पर एन ही रखेंगे n-1, और डी हमने फाइंड किया कितना 2, सॉल्व करते हैं एन बाई टू 2a+2 मल्टीप्लाई कराएंगे 2n-2, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 2 कट जाएगा, और इसमें 2 कॉमन मिल रहा है तो लिख लेंगे
ए प्लस एन, यहाँ पर देखते हैं टू टू कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा एन ब्रैकेट ए प्लस एन, ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 1/a, 2/a, 3/a को 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म दिया 1/a और डी फाइंड करते हैं 2/a माइनस 1/a कितना हो जाएगा 1/a। एन दिया है कितना, कितने पदों तक, 20 पदों तक, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ क्वेश्चन नंबर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 20/2 और 2a ये कितना दिया है 1/a, एन दिया है 20 माइनस 1 और डी हमने फाइंड किया कितना 1/a, इतना समझ में आ गया होगा। इसको कट करेंगे हो जाएगा 10, यहाँ पर 2/a और प्लस 19/a, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद ऐड कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 × 21/a, यहाँ हमने फाइंड कर लिया आंसर 210/a। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो दिया है श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पदों का योगफल 72 होगा। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये है कि श्रेणी दी है और लास्ट लाइन लिखी है, लास्ट में लिखा है कि कितने पदों का योगफल 72 है, यानी कि जो एसएन दिया है वो 72 और यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है और यहाँ पर ये दिया 17 और डी फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना -2। फार्मूला हमने लिख लिया, तो यहाँ पर एन कितना दिया है वो हमें फाइंड करना है और यहाँ पर एसएन दिया कितना 72 और यहाँ से 2a कितना दिया 17 और एन की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है और डी कितना दिया है -2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा n/2 34 -2n+2, क्योंकि हमने -2 की मल्टीप्लाई करा ली तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं n/2, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 36 - 2n। अब हम क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा n/2 × 2 (18 - n) कट कर लेंगे और ये किसके इक्वल है 72 के, तो यहाँ पर लिखेंगे 72 = अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18n - n2। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 18n - n2 है इसको इस साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा कितना n² - 18n + 72 = 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें कोई भी एक अचर पद की घात 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। और हम इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, तो उसमें देखते हैं जो ये 72 लिखा है इसके हम क्या करेंगे फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 236, 218, 29, 33, 31। तो यहाँ पर फैक्टर हमने फाइंड किया कितना 2, 2, 2, 3, 3। हमें ऐसा जोड़ा बनाना है कि -18n को हमें दो भागों में तोड़ना है और उनको मल्टीप्लाई करें तो 72 हमें फाइंड हो। तो देखते हैं किस टाइप से होगा, तो यहाँ से अगर हम करें 2, 2 जा 4, 3 जा 12 और हमें बचा कितना 2 और 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3, तो ये कितना हो गया 2, 2 जा 4, 3 जा 12 और ये 2, 3 जा 6। तो यानी कि अगर हम इस टर्म को -12n और -6n + 72 लिखें तो क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो -18n आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 6 की, तो उसका अचर पदों की मल्टीप्लाई करते हैं वो विद साइन के साथ, तो यहाँ पर 72 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो आसानी से ले सकते हैं, तो ये -n - 12 और -6 कॉमन लेंगे तो n - 12 = 0। अब इस पूरे टर्म में n - 12 कॉमन मिल रहा है तो ले लेंगे n - 12 और लिख लेंगे n - 6 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n = 12 और n = 6। जब कोई भी द्विघात समीकरण बनती है तो जो चर पद होता है उसके दो वैल्यू उसकी फाइंड होती हैं, तो यहाँ पर n = 12 n = 16 दोनों ही सही हैं। तो बच्चों जो सीरीज दी गई थी, अगर हम इसके 12 पदों को जोड़ें तब भी हमें कितना फाइंड होगा 72, अगर हम 6 पदों को जोड़ें तो भी हमें 72 ही फाइंड होगा, दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, श्रेणी 21, 18, 15 के कितनों पदों का योगफल 0 होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो बच्चों लास्ट में लिखा है कितने पदों का योगफल 0 होगा, तो यानी कि एसएन दिया है 0 और एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स में फाइंड करना है। डी देखते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -3 और यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया 21। तो अब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पर एन कितना दिया है वो हमें फाइंड ही करना है, तो लिख लेंगे n/2 और 2a कितना है 21 और n - 1 × d कितना हमने फाइंड किया -3, मल्टीप्लाई कराते हैं और यहाँ पर एसएन की वैल्यू कितनी दी है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा 42 और यहाँ पर -3n+3, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं n/2 जो कि 0 के इक्वल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 - 3n।
तो बच्चों ये एक इक्वेशन टाइप की बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 45n/2 -3n² / 2 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर 1/2 को कॉमन लेकर इस टर्म में इक्वल के इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45n - 3n² = 0। अब हम इसमें n कॉमन ले सकते हैं तो लिखेंगे n(45 - 3n) = 0। और यहाँ पर ये n मल्टीप्लाई में है और इक्वल के राइट साइड में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 45 - 3n = 0। तो हो जाएगा कितना 3n = 45। यहाँ से n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कितनी 45/3 जो कि होता है n = 15। तो यहाँ पर अगर हम 15 पदों को श्रेणी के 15 पदों को क्या करें ऐड करें तो कितना योगफल होगा 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समांतर श्रेणी का योगफल इन पदों तक ज्ञात करो जिसका एमएमआ पद दिया है 5m + 4। बच्चों ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। दिया है उस समांतर श्रेणी का इन पदों तक का योगफल ज्ञात करो जिसमें आगे दिया है एमएमआ पद 5m + 4। पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है तो जीरो नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये TM दिया 5m + 4। अगर हम T1 फाइंड करें तो M की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1 + 4 = 9। अगर T2 फाइंड करें यानी कि T2 तो यहाँ पर M की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 5 × 2 + 4 कितना हो जाएगा 14। और D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्योंकि ये दूसरा पद और ये पहला पद हमने फाइंड कर लिया है तो 14 - 5 कितना हो जाएगा 5 और हमें फाइंड करना है SN। तो देखते हैं फार्मूला लिख लेते हैं। तो बच्चों फार्मूला हमने लिख लिया है और इन पदों का योगफल ज्ञात करना है तो SN = n/2 2a + n - 1 × d। तो बच्चों अब हम वैल्यू पुट करेंगे n की जगह पर n/2 2a कितना दिया है यानी कि फर्स्ट टर्म 9 और n - 1 × d हमने फाइंड किया कितना 5 n - 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 18 + 5n - 5 n/2 18 - 5 = 13 + 5 n इतना हो गया। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं n/2 5n + 13 जो कि हमारा आंसर है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। आपको क्या करना है हमारे इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कोई दूसरी कोई क्वेरी हो तो अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक किए बिना मत ही जाना। थैंक यू।